Hi, most welcome by Nutriclinic Society, NCS. Assalamu alaikum. I am your host for today's webinar from NCS. NCS is a non-profit organization work for the welfare of mankind by arranging free programs and free webinars. By continuing the legacy of free webinars, today we have our topic nutrition infertility problem. Let's welcome our guest speaker for today's webinar, dietitian Ariba Amir. She is graduated in practice at Children's Hospital. She is working at Multan Institute of Cardiology. Thank you so much, Mukaddas, for your kind welcome. So, assalamu alaikum, all of you. Aaj hum log discuss karenge infertility ke bare mein. तो आप में से बहुत से लोगों का आइडिया होगा भी सही कि इनफर्टिलिटी होती क्या है और बहुत से नहीं भी होगा. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्टिलिटी क्या होती है. फर्टिलिटी एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड, मींस के एबिलिटी टू बीइंग अ प्रेग्नेंट. ठीक है, ये फर्टिलिटी होती है. तो अभी मैं अगर फीमेल के हिसाब से बात करती हूँ तो इनफर्टिलिटी ये होती है कि कपल्स होते हैं ट्राइंग टू कंसीव फॉर मोर देन 12 मंथ्स बट दे आर नॉट एबल टू कंसीव. तो इसमें जो हम अक्सर अब देखा जाता है कि फीमेल को कहा जाता है कि या फीमेल इनफर्टाइल है जिस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही. लेकिन इसकी रीजन जो होती हैं, अब जो देखा जाएगा इक्वल रेशियो में हम लोग देख रहे हैं कि मेल भी होते हैं इनफर्टाइल और फीमेल भी हो सकती हैं. तो इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि मेल्स किस तरह इनफर्टाइल होते हैं और फीमेल किस तरह होती हैं. सिर्फ एक के ऊपर नहीं होगा कि अगर नहीं हो रहा कंसीव, आप ट्राई कर रहे हो 12 मंथ तो ये भी हो सकता है कंसीव नहीं कर रहे. मेरी आवाज ठीक है? एक तो 12 मंथ से ऊपर इसके एक ही रीजन होती है कि अभी हम सिर्फ 2-3 महीने में इसको डायग्नोस ये नहीं कर सकते कि 2-3 महीने अभी हुए हैं और हम ये कहें कि वो इनफर्टाइल है. तो इसकी एक तो ये कि 12 मंथ से ऊपर टाइम हो एक स्पेस पे हम कर सकते हैं, या फिर अगर कंसीव हो भी जाता है तो रिपीटेड मिसकैरेजेस का हो जाना तो ये इनफर्टिलिटी में काउंट होते हैं. तो फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो तो फिर वो आपको डायग्नोस करता है प्रॉपर. और इसकी बहुत सारी रीजंस इसके पीछे हो सकती हैं. तो मेल की रीजंस अलग होती हैं, फीमेल की अलग होती हैं. तो फर्टिलिटी में सबसे जरूरी ये होता है कि फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन हो. ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है रिलीज ऑफ ओवियम फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब. तो सबसे पहले ओव्यूलेशन होनी जरूरी होती है. ओव्यूलेशन हो जाती है तो फिर वो देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन में तो इशू नहीं है. फर्टिलाइजेशन में इशू देखने के बाद फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जब वो कंसीव करने के टाइम आता है फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें इशू तो नहीं है. हर स्टेज को अलग अलग से देखकर उसके बाद उसको डायग्नोस किया जाता है कि या इनफर्टिलिटी हो रही है तो किस रीजन की वजह से हो रही है. काफी सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले ये कि आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एज क्या है. कुछ होती है कि लेटर एज में ट्राई कर रहे होते हैं, मीन्स के 35 से ऊपर एज हो जाती है दोनों पेरेंट्स की, फीमेल और मेल दोनों की 35 से ऊपर एज है. चलिए मेल का इतना इफेक्ट नहीं होता, फीमेल का इस चीज में ज्यादा है कि अगर वो 35 से ऊपर है तो उसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं. तो एज फैक्टर इसमें सबसे आगे आता है. उसके बाद स्ट्रेस भी हो सकता है. कुछ लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं कि स्ट्रेस का जो है ना बेसिकली इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे होता है. अगर आप एक स्ट्रेस दे रहे हो तो वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होंगे तो जाहिर बात है तो फिर आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी आपके खराब होंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी भी थोड़ी सी स्टेबल नहीं होगी. तो हर तरह से आप अनस्टेबल हो जाते हो. आप अक्सर देखते हैं कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारा अक्सर खाने को भी दिल नहीं करता. और कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं. तो ये डिफरेंट पीपल को डिफरेंट वे में इफेक्ट कर रहा होता है स्ट्रेस. और इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, अल्कोहल का बहुत ज्यादा कंजप्शन. वो तो क्या अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ तो अल्कोहल का नहीं है इतना, लेकिन स्मोकिंग का जो है रेशियो यहाँ पे बहुत ज्यादा है मेल में, अगर मेल की बात करते हैं. और फीमेल का देखें तो वो ओवरवेट होती हैं अक्सर, ओबीस क्लास में भी होती हैं. और इसी वजह से कि उनको इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं. आजकल पीसीओएस का इशू बहुत ज्यादा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. तो ये इशू किस वजह से ज्यादा है, पहले तो ना इसकी रेशियो ज्यादा होती थी कि ओवर वेट जो लोग होते थे ना या फिर ओबीज होते तो उनमें हम कहते थे कि पीसीओएस का रेशियो ज्यादा है. तो इस पीसीओएस की वजह से जो कंसीव नहीं कर रही तो सबसे पहले उनका जो है वेट स्टेबल करवाया जाता था. लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इसका जो हमारी टीन एज गर्ल्स होती हैं उनका वेट भी स्टेबल है, ओवर वेट भी वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पीसीओएस के इशू है. तो इसके पीछे क्या रीजन होती है, उसके पीछे रीजंस ये होती हैं कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसका बहुत बड़ा आजकल जो है रोल है इस चीज में. हमारा लाइफस्टाइल जैसे पहले वाले की तरह बिल्कुल भी नहीं है. हम सारे दिन हमारा बैठना, टेक्नोलॉजी को यूज करना, और ये है कि मोस्टली हम यही प्रेफर करते हैं कि जो भी काम है वो बैठे बैठे ही हो जाए, हमें चलना फिरना ना पड़े और हमें एक्सरसाइज ना करनी पड़े.
तो ये हमारा लाइफस्टाइल इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कि पहले तो ओवरवेट के पीसीओएस होता था, अब ये है कि पीसीओएस हो जाता है और उसके बाद जो है ना बंदा ओवरवेट की तरफ जाना शुरू कर देता है। और अंडरवेट का भी यही सीन है, अंडरवेट होगा तो वो फिर मेलनरिश होगा, मेलनरिश होगा तो उसके अंदर फिर डेफिशिएंसीज होंगी, डेफिशिएंसी होने की वजह से तो फिर दोबारा उसकी जो है फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आएंगे। इसके अलावा कैफीन का एक इंटेक बहुत ज्यादा देखा गया है, कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि कैफीन को कोई इफेक्ट नहीं है इस चीज़ पे फर्टिलिटी पे, लेकिन कुछ ये कहती हैं कि जो लोग कैफीन का बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, मतलब दिन में 2 से 3, 4 से 5 कप जो चाय पी रहे होंगे, कॉफी का इंटेक कर रहे होंगे, तो उनके अंदर जो है इसकी जो रेशियो बहुत कम हो जाती है। तो कुछ ट्रायल स्टडीज हुई है इसके ऊपर, कैफीन के ऊपर, तो उन्होंने इसका इंटेक कम करवा के भी देखा है तो इसके थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। तो इस वजह से कैफीन के इनटेक को इसमें काउंट कम कर लेंगे, इसका जो है कोरिलेशन हो सकता है फर्टिलिटी के साथ, लेकिन हम डायरेक्ट इसको एसोसिएट नहीं कर सकते कि सिर्फ एक कैफीन पीने की वजह से जो है वो बंदा इनफर्टाइल हो रहा है। और इसके अलावा एक चीज और है कि टू मच एक्सरसाइज, सो फीमेल जो है वो जिम ज्वाइन करती हैं और बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रही होती हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रही हैं, वेट लिफ्टिंग बहुत ज्यादा कर रही हैं, तो इसकी वजह से भी जो है उनके बॉडी के हार्मोन्स है वो इम्बेलेंस हो जाते हैं। फीमेल को अगर वो ओबीस हैं, अगर वो ओवरवेट हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, अगर मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँ तो नहीं करनी चाहिए। आप घर में अगर आप नॉर्मल ट्रेडमिल वॉक कर लें, या फिर आप एक ना कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप थोड़ी देर भी वॉक करते हो ना, तो वो बेटर है इससे कि आप जो है कानों में हैंड फ्री लगा कर और फिर आप जिम ज्वाइन कर रखिए, आपने बहुत ज्यादा आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसका फीमेल की फर्टिलिटी पे बहुत असर पड़ता है। मेल का इतना ज्यादा नहीं है, मेल का इसमें हैवी एक्सरसाइज में रोल नहीं होता, क्योंकि वो जो है ना मेंटेन अपने आप को कर लेते हैं। एक्सरसाइज वैसे भी मैन की एक्टिविटी ज्यादा होती है वुमेन से, तो वुमेन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका एक्सरसाइज का। अलावा पीसीओएस तो चले हैं, पीसीओएस में तो ऐसे सिस्ट बन जाते हैं, तो उसके काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो ये कि आपकी ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं हो रही, तो या फिर आपके ओव्यूलेशन हो गई है वो, लेकिन वहां पर वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो पीसीओएस के अंदर भी काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। फिर इससे हमें पहले इसको मैनेज करना पड़ता है, फिर हम आपको पीसीओएस को मैनेज करना पड़ता है, देन हम देखते हैं कि इसके अलावा भी अगर कोई इश्यू आ रहा है तो वो फिर जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक के अलावा कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है ओवरीज में, कोई वॉल्स में इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, तो वो फिर ये होता है कि मेडिकेशंस के जरिए किया जाता है, उसको फिर हम डाइट से ट्रीट नहीं करते। ये कि डाइट का वैसे ही अगर हम शुरू में ख्याल रखें तो उससे फिर आगे की फर्दर कॉम्प्लिकेशन इंसान बच सकता है। अच्छा, मेल्स में ये होता है कि सीमन डेफिशिएंसी हो जाती है, या तो स्पर्म्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, या कि उनकी मोटिलिटी खराब हो जाती है, तो या फिर उसकी हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी कम होती है, तो ये इसके क्या पीछे रीजंस हो सकती हैं। पिछले स्टडीज ये कहते हैं कि पिछले 30 से 40 सालों के अंदर ना इस चीज की रेशियो बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि मेल्स में इनफर्टाइल जो है वो आ रहे हैं। पहले नहीं इतना होता था कि मेल्स में इनफर्टिलिटी हो, वुमेन में ज्यादा देखी जाती थी, लेकिन अब जो है मेल्स में भी देखी जा रही है। उसकी वजह एक तो ये देखी गई है कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। वो किस तरह इफेक्ट कर रही है टेक्नोलॉजी, वो ऐसे करती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, अपनी लैब में आपने लैपटॉप रखा हुआ है, वो हीट अप होता है, हम सबको पता है वो हीट अप हो रहा है, तो इससे आपका होगा लोअर बॉडी टेम्परेचर आपका हाई हो जाता है, और आपको पता होगा आइडिया होगा कि आपका अगर मेल का लोअर बॉडी टेम्परेचर हाई होता है तो वो नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर जो है अपर बॉडी से हमारा लोअर बॉडी हमारा नहीं सॉरी मेल का लोअर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा कम होता है। उसकी एक्सेस हीट होना, और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि मोबाइल फोन हम रखते हैं पैंट की पॉकेट्स में रखते हैं, तो उस वजह से भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो ये टेम्परेचर का एक तरह से रोल देखा गया कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो आपके हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और जो सीमन की क्वालिटी है वो खराब होती है, तो स्पर्म काउंट भी इससे खराब हो रहा है, मोटिलिटी भी खराब हो रही है। ये थोड़ा डाइट से हट के फैक्टर है, ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर मेल में देखें तो प्री टेस्टिकुलर कॉजेज भी होती हैं, पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज भी होती हैं। अब ये क्या होती है, एक तो प्री टेस्टिकुलर कॉजेज में तो ये होगा कि जैसे स्पर्म्स बन रहे हैं उसी दौरान ही कोई इशू हुआ है, मींस के हार्मोन्स के रिलीज हो रहे हैं हमारे हाइपोथैलेमस से, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वहीं से रिलीज होते हुए उसी में कोई इशू आ गया, तो वो पहले की कोई वजह है जिसकी वजह से स्पर्म ठीक से बना ही नहीं है, ठीक है, या फिर डीएनए डैमेज हो गया उसका। और एक होती है पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज, में ये है कि बन तो गए हैं स्पर्म्स, अच्छी क्वालिटी भी ठीक है, उनकी क्वांटिटी भी ठीक है, लेकिन जिस डक्ट से उन्होंने मूव करना है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है,
मीन्स कि वो अपनी जो है एरिया से मूव कर ही नहीं पा रहे, जहाँ पे उनको जाना चाहिए अपने रूट कॉज की तरफ जा ही नहीं रहे हैं वो लोग। तो स्पर्म्स की ये होती हैं कि उनकी मोटिलिटी बहुत इफेक्ट होती है। तो आजकल ये टोबैको का यूज ही, जो सिगरेट वगैरह यूज करना और इसके अलावा नारकोटिक्स का यूज करना, इसके वजह से भी बहुत इफेक्ट होता है इस पे। और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, मेल भी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत कम होते हैं जो करते होंगे। इसके अलावा चले हम इसकी हम डाइट की बात करते हैं, तो डाइट में सबसे जरूरी जो चीज़ें होती है ना, वो एक तो ये कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं वाइटामिन सी हो गया, वाइटामिन ए हो गया, वाइटामिन, ये दो तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वाइटामिन डी है, वाइटामिन सी है, बीटा कैरोटीन हो गया, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपकी जो ऑयल्स वगैरह में पाए जाते हैं, ऑयल भी कौन सा, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह में है, फैट सोल्युबल वाइटामिन आपके आ जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है। ये इस तरह के हम अनहेल्दी हमारा ईटिंग पैटर्न है, हम बाहर के फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, हमारी लाइफस्टाइल हमारा ठीक नहीं है और टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बहुत जनरेट हुए हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं, और वो हम अपनी डाइट से ले सकते हैं इजीली। वो कुछ केसेस होते हैं कि हमें उनके सप्लीमेंट्स देनी पड़ती हैं अगर एक्सट्रीम केसेस में चले जाएं, लेकिन वैसे डाइट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो सप्लीमेंट्स भी अक्सर दी जा रही होती हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड का तो हमें सबको पता है कि बहुत, फीमेल की बात करें तो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है, एक तो कंसीव की अगर ट्राई कर रही हैं तो फोलिक एसिड सप्लीमेंट तब भी लें, कंसीव हो गया तब भी लें, फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स जो हैं वो लाजमी लें। और इसके अलावा मेल जो है, मेल में जो है स्पर्म्स की अगर क्वालिटी को बेटर बनाना है, तो उसके लिए भी जो है ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा ओमेगा 3 हम लेते हैं कहाँ से? ये हमने नट्स वगैरह से लेने हैं, हमने ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों, फिश इसका बहुत अच्छा सोर्स है, आप फिश इसका इंटेक करें। फिश आप गर्मी है, कहते हैं फिश नहीं खानी हमने, तो आप गर्मी में कम इंटेक कर सकते हैं, महीने में 2 दफ़ा कंज्यूम कर लें फिश। इसके अलावा आप नट्स का इंटेक करें उनको मिक्स करके, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, गर्म कहने को होती हैं लेकिन इसका हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा जो इफेक्ट होता है, अगर आप गर्मी हो सर्दी हो, क्योंकि क्वांटिटी मैटर करती है, गर्मियों में क्वांटिटी आप उसके ज़्यादा ना लें दिन में, लेकिन ओमेगा 3 ओमेगा 6 का इंटेक अच्छा रखना है, फॉलिक एसिड का इंटेक अच्छा रखना है, वाइटामिन डी का इंटेक अच्छा रखना है। अभी अगर मैं रिसेंट शेयर करूँ तो मेरे पास रिपोर्ट्स आई थी, एक इसी चीज़ पे आई थी, इनफर्टिलिटी पे वुमेन की, तो उसकी रिपोर्ट्स में वाइटामिन डी का लेवल बहुत कम था उसके अंदर। एक मैंने वहाँ से देखा है कि विटामिन बी का लेवल बहुत कम है, तो इसकी वजह से भी उसकी जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो विटामिन डी का इंटेक अच्छा रखना है, ये भी हमें एक तो सनशाइन से नेचुरल मिल जाता है, इसके अलावा हम जो हमारे एडिबल ऑयल्स होते हैं, कुकिंग ऑयल होते हैं, इसके अंदर भी विटामिन डी होता है। अक्सर वो आपने उसके ऊपर लिखा हुआ भी देखा होगा, विटामिन डी फोर्टिफाइड भी लिखा होता है। तो विटामिन डी क्यों ज़रूरी होता है? मेल्स के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि विटामिन डी होगा तो कैल्शियम आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, और कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा तो स्पर्म्स की मोटिलिटी जो है वो बेटर होगी, जिसकी वजह से जो आपकी मोटिलिटी वाला इशू तो जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम लेना भी ज़रूरी है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी साथ के साथ लें, डेयरी प्रोडक्ट्स लें, विटामिन डी भी लें, एक ये इशू सॉल्व होगा। आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लेने, आपने आयरन का अपने जो है बेस्ट सोर्स यूज़ करना है। आयरन का अगर सजेस्ट करूँ ना इस चीज़ में, फर्टिलिटी में, तो हमने जो है एनिमल्स से नहीं लेना, हमने सोर्स से प्रोटीन सोर्स हमने लेना है। तो प्लांट प्रोटीन आप लेंगे ना, तो उसकी तरह प्लांट प्रोटीन के अलावा प्लांट से ही आपने आयरन भी लेना है। उसका बेस्ट सोर्सेस कौन से होते हैं? मतलब बीन्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, ये लोबिया वगैरह जो होती हैं, ये प्रोटीन के सोर्स हैं। इसके अलावा रेड बीन्स जो है वो आयरन का अच्छा सोर्स है। आप फ्रूट्स में चले जाएं, फ्रूट्स में बेरीज वगैरह लें, आजकल जो आ रही हैं, आजकल मैंने हर जगह बेरीज देखी हैं, तो बेरीज बहुत अच्छी हैं, वो एंटी ऑक्सीडेंट्स भी हैं आपकी बॉडी के लिए, और इसके अलावा आयरन के भी अच्छे सोर्स हैं। तो ये चीज़ें आपने लाजमी अपनी इसमें ना ऐड कर, डेली हम कर लें तो हमें इन चीज़ों को फेस ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो है ना एनिमल सोर्स से अगर ना लें, हम प्लांट सोर्स कोई चीज़ में प्रेफर ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती ना, तो इसलिए हम प्लांट सोर्स से ही प्रोटीन देते हैं, प्लांट सोर्स से ही हमने आयरन वगैरह देने हैं इनको। इस तरह इसके अलावा हमने फाइबर ऐड करना है। फाइबर किस तरह ऐड कर सकते हैं? हम अपनी डाइट का कुछ पोर्शन अगर हम होल ग्रेन्स पे कंज्यूम कर लेना, इससे हम डेली रिफाइंड कुछ चीज़ों को तो बिल्कुल जो है ना स्किप कर दें। अगर आप स्किप नहीं कर सकते तो आप ये ऐसा करें, 50% आप रिफाइंड यूज़ कर लें, 50% आप होल ग्रेन्स यूज़ कर लें, जो
बिल्कुल प्योर, किसे कहते हैं ना लाल आटा बोलते हैं, चक्की का आटा, वो वाला आटा यूज कर लें। रिफाइंड से थोड़ा सा आप इसको स्किप करने की कोशिश करें, ट्रांस फैट्स आपने स्किप करने हैं, बाहर की बिल्कुल जो फ्राइड चीजें उनको नहीं लेना। इसके अलावा स्मोकिंग से आपने परहेज करना है, सिंपल शुगर से आपने, रिफाइंड शुगर से आपने इसमें करना है परहेज, क्योंकि जितनी ज्यादा शुगर आप रिफाइंड यूज करेंगे इतना ही आपका वेट बढ़ेगा और इसके फिर जो है PCOS पे भी बहुत जो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं सिंपल शुगर के। तो इसको कट ऑफ करवा जाते हैं कि आप सिंपल शुगर कट कर दें, अल्टरनेट आप थोड़ी सी शक्कर यूज कर सकते हैं, क्योंकि शक्कर जो है वो फ्री सिर्फ उसमें शुगर नहीं है, उसमें और भी चीजें आ जाती है, मिनरल्स वगैरह, उसको आप थोड़ा सा इंटेक कर सकते हैं वैसे, लेकिन वो भी आपने बहुत ज्यादा नहीं करनी। बेवरेजेस नहीं लेने, सोडाज नहीं लेने, ये सारे जो इसमें फ्री शुगर है, ये सब आपके जो वेट गेन करवाती हैं और फिर जो है सारे इससे आगे भी मसले बनते हैं। और मेल के लिए कुछ स्पेशल जो सीड्स वगैरह होते हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं, फेनुग्रीक सीड, मेथी दाना बोलते हैं, मेथी दाना जो अगर किसी मेल को डायग्नोस होता है कि उसके अंदर इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने लिए डाइट को ठीक करें, तो इनको मेथी दाना अगर वो डेली सुबह उठकर थोड़ा सा मेथी दाना पानी के साथ इंटेक कर लें, उससे इनके काफ़ी हद तक जी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है मेथी दाना खाने से, स्पर्म की क्वालिटी बेटर होती है। इसके अलावा ऑनियन का इंटेक होता है, प्याज का इंटेक लाजमी अपनी डाइट में रखें, उसमें भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आपके DNA को डैमेज होने से बचाते हैं, तो DNA लेवल पे ऑनियन अपना काम कर रहा होता है। इसके अलावा एक सीड हाँ अलसी के बीज हम लोग बोलते हैं, उसका इंटेक अच्छा करना चाहिए, वो भी ओमेगा 3 के ओमेगा 6 इन चीज़ों के बहुत अच्छे वो होते हैं, सोर्स होता है। और इसके अलावा उसके अंदर और भी जो फंक्शनल फूड के तौर पर भी काम कर सकते हैं सीड सारे जितने भी होते हैं, लेकिन स्पेशली जो है वो अलसी के और मेथी दाने, ये दो चीज़ें जो होती हैं इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सीड सारे हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी सीड हो आपके घर में आप उसको लाजमी इंटेक किया करें, या फिर आप उसको एक चम्मच सुबह खा लें किसी भी चीज़ पर डाल के, शाम को खा लें, इस तरह से किसी भी वे में आप उसका इंटेक करना चाहें, चिया सीड्स का इंटेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, फाइबर का, उर्दू में बोलती हूँ तुक मलंगा जिसको हम बोलते हैं, इसका इंटेक करेंगे तो ये सारी जो कैल्शियम के भी सोर्स होते हैं और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगास जो भी हमें चाहिए होते हैं सप्लीमेंट्स की बजाय अगर हम इन चीज़ों की तरफ मूव कर जाएं तो ये आपके जो है फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं और होते भी हैं। आपकी नॉर्मल रूटीन में अगर हम देखें डाइट प्लान्स मैं देती हूँ तो ये चीज़ें लाजमी ऐड करवाती हूँ और इसके अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं फिर आगे जाके। इसके अलावा जिंक का इंटेक अच्छा रखना है, जिंक तो वैसे ही रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स वैसे ज़रूरी होता है, जिंक जो है ना आपकी रिप्रोडक्शन वाले सारे प्रोसेस में थोड़े से ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए लाजमी होता है, बहुत ज़्यादा इसका इंटेक नहीं कर देते, 8 मिलीग्राम पर डे तक हम लोग ले रहे होते हैं। आयोडीन बहुत जरूरी है, सारे ना एक टाइप देखा जाए ज़रूरत सबकी होती है, मल्टीविटामिन का इंटेक करना चाहिए, लेकिन जो ये मेन चीज़ें हैं ना जिनकी वजह से देखा गया है कि ये वजह बनती हैं इस चीज़ की, तो इनका लाजमी इंटेक होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा B6, B12, B vitamins का बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि एनीमिया की भी अक्सर वजह देखी गई है कि आपने खून की कमी है, ब्लड फ्लो ठीक नहीं है आपका, तो ब्लड फ्लो ठीक नहीं होगा तो इसकी वजह से फिर वो आगे फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपके B12 होने चाहिए, किसी भी तरीके का एनीमिया नहीं होना चाहिए, फॉलिक एसिड से भी ना हो और आपकी B vitamins की वजह से भी ना हो, आपकी आयरन की वजह से भी ना हो, तो इन सब को जो है साथ के साथ लेके चलना पड़ता है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो लाजमी ऐड करें, ये एक स्टडी में ये देखा गया था कि जो मेल की बात को ना मेल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा इंटेक कर रहे थे तो उनके अंदर जो फर्टिलिटी के रेशियो ज़्यादा थी, मतलब वो ज़्यादा फर्टाइल थे उनकी निस्बत जो कि बिल्कुल भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह नहीं यूज़ करते थे। तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनको अपनी सैलड में अगर हम डेली का ऐड कर लें तो इससे हमारे ग्रीन्स भी पूरे हो जाते हैं, हमारे फाइबर भी होता है अच्छा खासा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमें मिलते रहते हैं, तो ये सारी जो होती हैं मिल के एक कलेक्टिव रोल दे रही होती हैं, किसी भी एक चीज़ की वजह से ना एक पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो रहा होता है और फिर उसकी रूट कॉज तक जाने के लिए ना हमें सारी वो चीज़ों को इंटेक करवा के देखना पड़ता है कि यार किसकी वजह से ये हो रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं कि जिसको हम डाइट से नहीं क्योर कर पा रहे होते क्योंकि वो डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हो रही होती, वो या तो आपकी जेनेटिक कोई कॉज है, कोई इन्फेक्शन हो गया है बहुत ज़्यादा अंदर, या फिर कुछ इस तरह है कि वो सर्जिकल भी होते हैं कुछ, सर्जरी की वजह से फिर उनको ठीक करना पड़ता है, तो वो फिर डॉक्टर होते हैं वो फिर खुद डायग्नोस करके आपको बता रहे होते हैं कि आपका मसला है किस तरह। अगर हम छोटा सा मैं एंड में ना एक डाइट प्लान भी शेयर करूंगी, ओरली शेयर करूंगी,
उन लोगों के लिए जिनको फर्टिलिटी का है, तो ये मेल के लिए भी होता है, फीमेल के लिए भी होता है, दोनों ही कर सकती हैं। एक जनरल सा डाइट प्लान है जिसमें आपके सारे फूड ग्रुप्स भी आ जाएं, और आपके जो है जिसको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी का इश्यू है कि कंसीव नहीं कोई कर पा रहा, तो वो भी इसको कर सकता है अडॉप्ट। लेकिन फिर भी ये है कि कंसल्टेशन के बाद ही करें। वो मैं फिर 5:25 हो रहे हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर में फिक्र देती हूँ। इसके अलावा और कौन सी बात रह गई इसमें? प्रोसेस्ड फूड का मैंने बता दिया कि वो इंटेक कम से कम करें। आजकल वैसे ही पैकेजिंग वाले फूड्स हम ज़्यादा इंटेक करते हैं, ये बाहर से मिलते हैं ना पैकेज में प्रोसेसिंग हुए हुए, प्रोसेस्ड ऑयल भी कह सकते हैं इसे। प्रोसेस्ड ऑयल के अंदर वैसे ही अगर वाइटामिन डी की वो हो जाए फोर्टिफिकेशन, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हम ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहें ना, ऑलिव ऑयल तो वैसे बहुत अच्छा है इस चीज़ में, आपके जो आपके लिपिड प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल आपके अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और आपको वेट लॉस करने में बहुत इफेक्टिव है ऑलिव ऑयल। लेकिन वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है ना, उसको यूज़ करना चाहिए। ये जो हमारे प्रोसेस्ड वाले होते हैं ये वाले यूज़ नहीं करने, और एक्स्ट्रा वर्जिन वो वाले होते हैं, ये जो नहीं होते जिसको हम कहते हैं कि स्पेशल निकाला गया होता है, किसी प्रोसेसिंग से नहीं गुजारे गए होते हैं, लेकिन ऑलिव्स का निकला हुआ होता है नीचे, और वो अलग से ही मिल रहे होते हैं, या तो वो ऑयल वाले खुद ही रहते हैं ऑयल निकालने वाली जो शॉप्स होती हैं, या फिर इसके अलावा आप खुद भी निकलवा लेते हैं अक्सर लोग, या फिर अगर आप ऑलिव्स का वैसे इंटेक करना चाहो तो वैसे इंटेक कर लें। लेकिन अगर 1 से 2 चम्मच डेली ऑलिव ऑयल का इंटेक करें तो वो इसमें बहुत अच्छा है, इसका पॉजिटिव रोल आता है। और एक चीज़ और होती है फाइटोएस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारी बॉडी का हार्मोन होता है जो कि हमारी रिप्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी होता है और फर्टिलिटी में बहुत ज़रूरी होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। फाइटोएस्ट्रोजन वो चीज़ होती है जो कि एस्ट्रोजन से मिलते जुलते होते हैं, तो वो एस्ट्रोजन की जगह ले लेते हैं आके, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का अपना फंक्शन नहीं हो पा रहा होता और इसकी वजह कमी हो जाती है एस्ट्रोजन के फंक्शन में। तो फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं वो इसमें सोए प्रोटीन्स में होते हैं। सोए वगैरह हमने सुना होगा कि सोए का इंटेक अच्छा होता है करना, एक हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है सोए का इंटेक। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें ना इनफर्टिलिटी की इसमें देखें, तो हमें सोए का इंटेक हम कम करवा देते हैं कि आपने जो है सोए का इंटेक नहीं करना, सोए जो प्रोटीन होती है सोए, ऐसे कम लोग सोए का इंटेक करते हैं। मैंने अभी तक देखा नहीं कि किसी के घर में जो है इसका फ्लोर आता हो या फिर इसका मिल्क आता हो। है इसके बहुत बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इस चीज़ के अंदर देखें तो हम इसका इंटेक जो है ना कम करवा देते हैं, क्योंकि फाइटोएस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हार्मोन्स का इंबैलेंस हो जाता है, तो हमने इसको नहीं करवाने। इसके अलावा हमारी जो फूड है वैसे ही अनहेल्दी है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। वो पेस्टिसाइड्स हमारे फ्रूट्स में भी हैं, हमारी वेजिटेबल्स में भी हैं, और हमारे जो पानी हम लोग पी रहे हैं जो टैप वाटर है इसके अंदर भी हैं। इसके अंदर किस तरह आते हैं कि जो आप पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं वो आपकी जो चला जाता है उसमें फसलों के अंदर जा रहा है, इससे आपकी पानी के अंदर भी लीक हो रहा है, वो पानी अक्सर कंजप्शन में भी यूज़ हो रहा होता है। तो इस तरह से साइकिल ये पूरा घुमा के ना पेस्टिसाइड्स का असर जो है वो हमारी हेल्थ पे हो रहा है, और पेस्टिसाइड्स जैसे अंदर जाते हैं तो ये फिर ये भी इसके अंदर एक ज़ीनोएस्ट्रोजेंस होते हैं, ये भी एस्ट्रोजन की शक्ल के होते हैं, लेकिन ये फिर एस्ट्रोजन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, खुद उसकी जगह आके ले लेते हैं। तो अभी तक 80 मिलियन वुमेन तो हैं दुनिया में जिनके अंदर इश्यू इनफर्टिलिटी का देखा जा रहा है। अब की जो है बात करूँ ना WHO जो कहता है कि काफ़ी सारी वुमेन में ये इशू आ रहा है, उसकी वजह यही है कि हमारा लाइफस्टाइल अब वैसा नहीं रहा और हमारी डाइट बहुत अनहेल्दी हो गई है और टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपके फ्री रेडिकल्स बहुत बॉडी में बन रहे हैं। ये कि इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाने की वजह से एक तो फ़ायदा तो होता है लेकिन इस चीज़ों का फिर नुकसान भी है, तो इसको भी हमने फाइट करना है। साथ के साथ ही हमने डाइट का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि यार चलो मोबाइल लेके हम बैठे रहते हैं। इसका हमारी आइज़ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपकी जो है ना बीटा कैरोटीन हम नहीं ले रहे होते, लेकिन फिर भी अगर आप देखें आजकल हर बंदे दूसरे बंदे को ग्लासेस लगी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ग्लासेस लगी हुई हैं, तो क्यों लगी हैं? वजह उसकी यही है कि पैदाइश से ही ना इससे मदर की भी डाइट ठीक नहीं होती, तो उससे बच्चे पर भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। कंसीव वो कर लेती है लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इसी वजह से कि उसकी डाइट ठीक नहीं है, तो बच्चे फिर आगे जाके इफेक्ट हो रहे होते हैं इस चीज़ से, और फर्टिलिटी तो उसमें आ जाती है लेकिन आगे जाके फिर उसके जो बेबी है उसके आप देखें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं फोलिक एसिड की डेफिशेंसी की वजह से, किसी की न्यूरल ट्यूब सही तरह नहीं बन रही होती, किसी को जो क्लेफ्ट पैलेट का मसला हो रहा है। हॉस्पिटल में देखें तो
हार्ट में जो है जिसको हम दिल का सुराख बोल रहे होते हैं वो वाले मसले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बच्चे जो है लाइव बर्थ बहुत ज्यादा रहती है, मतलब स्टील बर्थ कहते हैं ना, बच्चे पैदा होते ही सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, तो काफी सारे इश्यूज जो है ना अब अराइज ज्यादा होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, नॉलेज भी बढ़ रही है, रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये चीज़ है यानी इनकी रेशियो जो कम नहीं हो रही है बिल्कुल भी। हमारा जो गट माइक्रोबायोटा है ना, हमारा स्टमक है, उसके माइक्रोबायोटा बहुत डिस्टर्ब होते हैं अनहेल्दी डाइट से, और अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो उससे भी आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो हेल्दी माइक्रोबायोटा नहीं होंगे, वो अनहेल्दी होंगे, तो उससे भी आपकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम आएगी, आपकी सर्कुलेशन है वो खराब होगी, तो इनडायरेक्ट जो है ना कॉजेज भी बन जाती हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कॉज भी नहीं बनती है। हम कहते हैं क्या स्टमक का प्रॉब्लम है, उससे उसका क्या लिंक है, तो हर चीज जो है ना एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, तो ओमेगा थ्री का रोल तो हमने सबसे अच्छा हम देखा है कि वो हार्मोन्स भी रेगुलेट कर रहा है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम कर रहा है, और आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ा रहा था, तो ओमेगा थ्री का इंटेक भी होता है, लेकिन एक्सेस इंटेक भी नहीं करना, जितने रिकमेंडेड डोजेज है उसी में लेना होता है। अगर एक्सेस करेंगे तो वो इन्फ्लेमेशन इतनी कम कर देगा बॉडी की कि आपका इम्यून सिस्टम भी कम जो है ना उससे वीक हो जाएगा, तो फिर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये कह सकते हैं हम इसमें। ठीक है, ये वाली सारी बातें हो गई, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ ले इसी रिगार्डिंग जो मैंने बताया, उसके बाद जो है मैं इसका जनरल सा डाइट प्लान भी शेयर कर दूंगी। किसी का क्वेश्चन है कोई? अच्छा, सीड साइकिलिंग के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, तो वो पीसीओएस में सीड साइकिलिंग इस तरह होती है कि हमने चार सीड स्पेसिफिक किए होते हैं, तो वो जो फीमेल होती है ना पहले हम उसकी कॉज मालूम करते हैं कि वो वाकई पीसीओएस उसको है, अगर है तो फिर हम उसको सीड साइकिलिंग स्टार्ट करवा रहे होते हैं। उसमें हमारे पास सनफ्लावर सीड्स आ जाते हैं, तिल के बीज आते हैं, कद्दू के बीज आते हैं, और चौथा ये क्या कहते हैं अलसी के बीज आ जाते हैं, ये चार सीड्स होते हैं जिनको हम यूज करवा रहे होते हैं। तो वो पहले 15 डेज लो करवा रहे होते हैं, उसके बाद अगले 15 डेज, वो उनके साइकिल पे डिपेंड करता है ना, वो सारे टेस्ट वगैरह देख कर उनकी कंडीशन देख के फिर हम बताते हैं कि हाँ वाकई आपको ये प्रॉब्लम है, और फिर हम उसको सीड साइकिलिंग से रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर आप किसी को सीड साइकिलिंग के बारे में डिटेल से पूछना है तो वो आप मुझसे इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं। या फिर हाँ ठीक है, पीसीओएस पे हम कोई अलग से भी वेबिनार रख सकते हैं डिटेल में। हाँ जी, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से ही होते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि ओव्यूलेशन तो हो जाती है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, लेकिन वो डिजर्व नहीं कर पा रही होती। डिजर्व क्यों नहीं कर पा रही होती, क्योंकि या तो पहले से ना उसकी हिस्ट्री पर देखी जाती है कि अगर आप कंसीव हो भी रहा है लेकिन आप जो है उसकी मिसकैरेज हो जा रहे हैं, तो मतलब है कि वो अंदर से उसकी या तो वॉल्स होती है ना यूटरस की वॉल्स, एंडोमेट्रियम जिसको हम कहते हैं, वो भी वीक हो सकती हैं, वो जो प्रॉपर नहीं वहाँ पर एक स्ट्रेंथ से नहीं है, तो इसकी वजह से वो जो है वहाँ पर फर्टिलाइज है वो वहाँ पर नहीं इसको स्टे कर पा रहा, इसकी वजह से भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं। या फिर आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, आप रेस्ट नहीं कर रहे, इसकी वजह से भी हो जाता है। या फिर इसकी हिस्ट्री में जाके देखें तो उस फीमेल को है जो है इसके पीरियड्स भी लेट होते हैं, या फिर एबसेंट होना, इरेगुलर होना, बहुत कम हो जाना, ये बहुत ज्यादा हो जाना, ये सारी चीजें लास्ट में इसकी हिस्ट्री में होती हैं, जिसकी वजह से ये चीजें आपकी अभी भी होना, तो बंदा ये कहता है कि उसको अभी से ठीक कर ले ना के बाद भी जाके मिस कैरेजेस वाले चांसेस आपके बढ़ जाए। मिस कैरेजेस इस वजह से होता है। हेयर प्रॉब्लम्स होती है ना पीसीओएस की, ये सिम्टम्स में आता है कि हेयर फॉल ज्यादा हो रही होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि एक तो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना FSH जिसको कहते हैं, उसका लेवल बहुत कम हुआ हुआ होता है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी रिप्रोडक्शन होती है, सेकेंडरी रिप्रोडक्शन होती है, इसमें हेल्प आउट जो कर रहे होते हैं आपके ये हेयर ग्रोथ में, और इसके अलावा आपकी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके उस रेगुलेट कर रहे होते हैं, तो वो सब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, इसकी वजह से आपकी हेयर फॉल हो रही होती है। तो हम डायरेक्ट हेयर प्रॉब्लम्स को इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक आपका पीसीओएस सॉल्व नहीं होगा, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना उसका लेवल बड़ा हुआ होता है, वो मेल हार्मोन होता है, तो जिसकी वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ भी होने लग जाती है बहुत ज्यादा, ये तो कॉमन है आजकल, पिंपल्स निकल जाना, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाना, तो उसके लेवल जब मेंटेन हो जाएंगे तो हेयर प्रॉब्लम से वो अपने आप ही उस पे लेवल पे आ जाएंगी, फिर हम जनरल स्पेशल हेयर्स को ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम पीसीओएस को ट्रीट नहीं करते, सिर्फ हेयर प्रॉब्लम्स को जाएं तो वो इससे ठीक नहीं होंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होगी, हार्मोन्स इम्बेलेंस हैं, सब कुछ इकट्ठा इकट्ठा साथ के साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी वैसे भी अपने बालों का ख्याल रख ले तो अच्छा है। कुछ खा नहीं सकती तो वो अपनी हेल्थ कैसे
खा नहीं सकती ना, तो वो जो तो ना इसकी वजह को है ना उसको ट्रीट करें, क्यों नहीं खा पा रही, तो उसकी भी ना काफी डेफिशिएंसीज अगर उनके अंदर होती हैं, जैसे उनको भूख ना लगना, तो भूख नहीं लग रही तो क्यों नहीं लग रही, जिंक डेफिशिएंसी होगी जो आपको भूख नहीं लग रही, तो हम उनको जिंक भी देते हैं, जिंक के ड्रॉप्स वगैरह देते हैं कि आपको भूख लगनी चाहिए, और इसके अलावा हम उनको सैलड्स का इस्तेमाल करवाते हैं, इससे भूख लगती है। अगर वो कहती हैं कि हमें मतली वगैरह हो रही है, चलो वो एक नॉर्मल चीज़ है, होती है कि काफी कुछ फीमेल में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो हम उस चीज को खत्म कर सकते हैं। हम उनकी जो ये नोजिया होती है, हम उसको कम करने की इस तरह कोशिश करते हैं कि हम उनको कुछ रेमेडीज देते हैं जिसकी वजह से जो है ना आपकी नोजिया कम हो जाती है। काफी रेमेडीज हैं ऐसी, जैसे कि अदरक होती है। अब कुछ लोग कहेंगे यार अदरक तो गर्म होती है, नहीं देनी चाहिए, तो दे सकते हैं, कुछ इशू नहीं होता। हालांकि डेट्स जो होती है ना, खजूरें, वो भी अगर आप इंटेक करते हो ना इसमें प्रेगनेंसी में, तो उसका भी कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो नहीं लेनी चाहिए। और इसके अलावा डेट से मुझे याद आया कि डेट पाम पोलन एक चीज होती है, खजूर का पोलन उसको बोलते हैं, तो वो उसकी आजकल सप्लीमेंट्स भी आ रही हैं, उसकी सप्लीमेंट बनती है, उसके पाउडर बनता है, खजूर के अंदर ना एक पोलन बने हुए होते हैं, उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना ट्री का, उसका डेट पाम पोलन का एक पाउडर मिलता है, उसका इनटेक करना होता है ना, उससे जो मेल्स की इनफर्टिलिटी है ना उससे बहुत अच्छे उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं, कि मेल्स जो होते हैं इनफर्टाइल होते हैं, जिनको सारे सीमन इसमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो वो इससे सॉल्व हो जाती हैं। उसके अंदर एस्ट्रोन होता है, एस्टीरोल्स होंगे, फ्लेविनाइड्स होंगे, सेपोनिन्स होते हैं उसके अंदर, तो वो जाते हैं कुछ है, बल्कि मेल्स को वो चीज़ ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। तो अगर किसी मेल को इश्यू होता है तो ये इसका इनटेक कर सकता है, लेकिन वो फिर यही बात है कि वो बगैर उसके किसी से कंसल्ट किए ना यूज करें, जब तक आपको श्योर ना हो जाए कि हाँ वाकई ये मसला है, तो ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है डेट्स वाला। पीसीएस के मेजर साइंस तो ये होते हैं कि एक फीमेल है, उसके अंदर आप देखें फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, मतलब काफी सारे इसके सिम्टम्स हैं, अगर उनमें से तीन भी हो जाते हैं तो वो फिर हम पीसीएस उसको हम कह सकते हैं कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड का इरेगुलर हो जाना, बहुत ज्यादा बहुत सारे डेज ऊपर हो जाना, और फिर जब होता है तो बहुत कम, एक नॉर्मल डेज से भी कम होना, इसके बहुत ही कम फ्लो होना, और इसके साथ साथ फेशियल हेयर का मैंने बता दिया, फेस पे पिंपल्स का बन जाना, इसके मेल हार्मोन इसके ये होते हैं ना साइन कि आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ज्यादा हुआ हुआ है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि उनकी लेग्स पे बहुत ज्यादा हेयर की ग्रोथ हो रही होती है, उनके फेशियल पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो रही होती है, हेयर फॉल उनको बहुत हो रहा होता है, और ये इरेगुलर पीरियड्स की वजह से, और वेट गेन उनका हो रहा होता है, अनयूजुअल वेट गेन हो रहा है बैठे बैठे, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इससे हम ये कि खुद डायग्नोस कर सकते हैं कि पीसीओएस इसको है तो नहीं, इसके बाद हम जाके टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो फिर वो कन्फर्म हो जाता है उससे। बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी ग्रोथ नहीं होती बेबी की, एबॉर्शन करवाना पड़ता है। हाँ जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये फोलिक एसिड आ जाता है, जिंक आ जाता है, फोलिक एसिड का बहुत रोल होता है, इसके अलावा आपके यहाँ मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, ये सारे जितने भी वाइटामिन होते हैं ना ये आपकी जो बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं बेबी के अंदर, तो अगर आप किसी भी उसमें डेफिशियंट है ना, आप आयरन डेफिशियंट हैं, आप आयोडीन डेफिशियंट हैं, जिंक डेफिशियंट हैं, इसकी वजह से जो होता है, इसे अक्सर फॉलिक एसिड नहीं ले रहा कोई भी, किसी को सजेस्ट ही नहीं किया फीमेल को, और वो पहले भी नहीं लेती थी, वो अब भी नहीं ले रही, वो डेफिशियंट थी और उसने कंसीव, चले इसने कर लिया कंसीव, लेकिन बेबी की ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि उसके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट जा ही नहीं रहे, जिसकी वजह से वो ग्रोथ हो उसके अंदर, एक फीमेल भी डेफिशिएंट थी, ऊपर से बेबी भी कंसीव हुआ लेकिन उसकी अपनी भी डेफिशिएंसी थी, तो उसकी वजह से बेबी की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, तो फिर उसके बाद अबॉर्शन करवाना पड़ता है, या फिर अक्सर बेबीज की ऐसे भी डेथ हो जाती है कंसीव करते ही। तो इसमें भी आप बार बार अगर इस तरह का इश्यू होता है तो मतलब वो इनफर्टिलिटी का कोई कॉज है, उसको प्रॉपर डायग्नोस पहले से किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद दोबारा जो है वो कंसीव की तरफ आया जाता है। हाँ जी, और कोई बात? सारे क्वेश्चंस का मैंने बता दिया, और किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले चैट बॉक्स में, या फिर माइक भी ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चले, अच्छा मैं ना इसका डाइट प्लान शेयर कर देती हूँ एक,